हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसका कि पूर्व में नाम आगरा यूनिवर्सिटी भी था, अब इसका नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। तो कंफ्यूज मत होना, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, तो नाम कुछ सिमिलर देखने को मिल जाते हैं, तो नाम ध्यान से रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। ठीक है, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आई है, अब तक कुछ आई है, और अगर नहीं आई है तो कब तक एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन आ सकती है, तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। देखिए, आपको यहाँ कोई गुमराह नहीं किया जाएगा और ना ही 10 वीडियो बनाकर बार बार गुमराह किया जाएगा कि आज आएगी डेट, कल आएगी, अब आने वाली है, इस तरह से थंबनेल लगा के स्टूडेंट्स को गुमराह करना ये हमारी आदत नहीं है। यूजीसी नेट का भी रिजल्ट लेट आया था तो सभी चैनल्स क्या है, स्टूडेंट्स को आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, इस तरह से गुमराह कर रहे थे। लास्ट में स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो गाली गलौज पर आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में, तो फिर वो टीचर से बोलते हैं कि बदतमीज हैं, बोलने की तमीज नहीं है, कि स्टूडेंट्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उनका आप टाइम किल करते हो, पहली बात टाइम किल करते हो, दूसरे बात फिर उनके इमोशन से खेल जाते हो, पूरी वीडियो थंबनेल इस तरह से बनाओगे कि उनको लगेगा कि हाँ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और लास्ट में जाकर देखेंगे कि उनको कुछ मिलता ही नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर गुमराह नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया जाएगा, जो जानकारी है बिल्कुल एग्जैक्ट दी जाएंगी और रिलेवेटेड इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पर हम देते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट से रिलेटेड हो, पीएचडी एडमिशन से हो, या फिर पढ़ाने से रिलेटेड हो। ठीक है, तो आज के यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। पहले ये न्यूज़ आई है कि प्रोफेसर बीपी सिंह क्या है, अब डीन रिसर्च बन गए हैं। तो प्रोफेसर बीपी सिंह डीन रिसर्च बन गए हैं, तो अब रिसर्च से रिलेटेड जो भी काम होगा अब उनके हाथ में होगा। पहले ये डिप्टी डीन रिसर्च थे, अब डीन रिसर्च बन गए हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है, विनीता मैम की, प्रोफेसर विनीता मैम की जगह ली है। उनकी तबीयत कुछ समय से सही नहीं थी, अब उनका जो जगह है किनको मिल गई है, वो मिल गई है प्रोफेसर बीपी सिंह सर को। तो अब ये जो भी रिसर्च से रिलेटेड काम है सब वही संभालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नोटिस इसलिए लगाया है, जो प्रीवियस बैच है, जो पीएचडी का प्रीवियस बैच है, जो अभी बैच चल रहा है, ये 2021-22 वाला, जिसके एडमिशन कब हुए थे, 2022 में हुए थे। इसका प्रोसेस 2022 में कब, मार्च से स्टार्ट हो गए थे फॉर्म भरने, देन अप्रैल तक फॉर्म भरे गए थे, मई में फिर क्या है फीस कटी थी, फीस कटने के बाद फिर यहाँ पर जुलाई में क्या है, जून मई के बाद जून में काउंसलिंग हो गई थी, मई जून में काउंसलिंग हो गई थी, और जुलाई में फिर क्या है ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया था। काफ़ी अच्छे से काम किया था इस यूनिवर्सिटी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा ने, तो काफ़ी स्पीड से काम किया गया था कि 3 महीने में ही क्या है सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, मार्च में फॉर्म निकले, अब मार्च अप्रैल तक फॉर्म फिल किए गए थे, 2022 की बातें बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको फिर यहाँ पर क्लियरिटी आ जाएगी, जो आप डाउट लेकर बैठे हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और मार्च अप्रैल में फॉर्म आए थे, मई तक फीस कट गई थी, फिर फिर काउंसलिंग हुई थी, काउंसलिंग अप्रैल और मई में काउंसलिंग हो गई थी, उसके बाद जुलाई में क्या है ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया था, देन इसके बाद आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो गया था। अब कोर्स वर्क कितने टाइम तक चलता है, 6 महीने तक कोर्स वर्क चलता है, कितने टाइम तक, 6 महीने तक कोर्स वर्क चलता है। फिर आपके एग्ज़ाम होते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, एक आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड और एक रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड, वो पास करना आपको कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर वो पास नहीं करेंगे तो आप फिर से यहाँ पर एक बार और मौका दिया जाएगा, अगर फिर भी मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर आप
फिर जाने कौन डीन रिसर्च कि क्या करते हैं आपका, और फिर आप ही जाने। तो इसलिए पहले से ही तैयारी कर कर रखें, अपने टॉपिक को सेलेक्ट भी कर कर रखें कि आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते रहें। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रीवियस बैच है हम बता रहे थे, ये इसीलिए लगाया है कि उनकी अभी आरडीसी चल रही है, ये आरडीसी चल रही है। अब आरडीसी होता क्या है तो एक बार इसको भी आपको बता देते हैं, रिसर्च डिग्री कमेटी, रिसर्च डिग्री कमेटी। तो यहाँ पर एक कमेटी बैठती है, वो जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनका कोर्स वर्क हो गया है, रिजल्ट आ गया है, सब कुछ हो गया है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी हो गया है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर यहाँ पर क्या प्रेजेंटेशन भी हो गई है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर हमने एक वीडियो भी बना रखा है, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आरडीसी चल रही है, जैसे ही आरडीसी खत्म होगी, अब लास्ट फेज में चल रही है, ठीक है, नोटिस नंबर 12 यहाँ पर, इसके बाद 3-4 नोटिस और आएंगे आरडीसी के, उसके बाद फिर आरडीसी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपके देखिए आपके फॉर्म आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि फॉर्म आ जाएंगे, अब आरडीसी इस बैच की खत्म होगी तो फिर क्या है रिसर्च कमेटी पर फिर काम क्या बनेगा, जो नए एडमिशन है उनको स्टार्ट करने का, यहाँ पर फिर वो नए एडमिशन पर ही फोकस करेंगे। तो ऐसा अनुमान है, ठीक है, 2 या 3 महीने और लग सकते हैं, इससे कम भी टाइम लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन इस साल आपके फॉर्म जरूर आएंगे, ठीक है, इस साल आपके फॉर्म जरूर आएंगे। तो इसलिए अभी थोड़ा पेशेंस बना कर रखें, ज़्यादा पैनिक ना हो। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में था, अब एग्जाम प्रोसेस क्या होता है वो थोड़ा यहाँ बता देते हैं। देखिए, अब सपोज 20 सीटें निकली, 20 सीटें, आपका सब्जेक्ट है मान लीजिए ज्योग्राफी, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, अब 20 सीटें आई हैं यहाँ पर, तो 10 सीटें किन के लिए एग्जाम्प्ट रहेंगी, 10 सीटें एग्जाम्प्ट रहेंगी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या कोई टीचर हैं या फिर नेट जेआरएफ है या कोई और फेलोशिप से रिलेटेड है, यहाँ पर नेट जेआरएफ, ठीक है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर या फिर टीचर्स या अदर कोई अदर फेलोशिप जो नेट जेआरएफ के इक्विवेलेंट हो, अदर फेलोशिप, तो ये 10 सीटें इनके लिए रिजर्व रहेंगी जो फेलोशिप टीचर प्रोफेसर है इनके लिए, और बाकी 10 सीटों पर खेल चलेगा फिर एंट्रेंस एग्जाम का। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में फिर क्या है मेरिट लगेगी, एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट लगेगी, और मेरिट में जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा, ठीक है, और फिर इनको भी बुलाया जाएगा, दोनों तरह के स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे एग्जाम्प्ट कैटेगरी के। एग्जाम्प्ट का मतलब होता है कि इनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, इनको क्या है एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए, बाकी यूनिवर्सिटी का हमको नहीं पता कि वो नेट जेआरएफ को एग्जाम्प्ट रखते हैं या अदर फेलोशिप को, लेकिन यहाँ पर रखा गया था इसीलिए बिल्कुल आपको सटीक जानकारी बता रहे हैं। यहाँ पर जो अदर फेलोशिप वाले जैसे एनएफएससी या एनएफएसटी या एनएफओबीसी, तो इनको क्या है एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है। अब इनकी भी लिस्ट लगेगी और इनकी भी लिस्ट लगेगी, यहाँ पर दोनों तरह की लिस्ट लग गई, फिर इनको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब उनकी होगी काउंसलिंग, लिस्ट लगने के बाद पहला चरण क्या था, एडमिशन फॉर्म लिए, ठीक है, एडमिशन फॉर्म लिए, कितने वैलिड हुए वो देखेंगे, एडमिशन फॉर्म लिए कितने वैलिड फॉर्म हो पाए वो लिस्ट तैयार की जाएगी। फॉर्म वैलिड के बाद फिर क्या है इनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, इनको अलग, तो लिस्ट लगेगी, फिर
फिर इसके बाद इनकी काउंसलिंग होगी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ टीचर्स या अदर फेलोशिप, इनका क्या है, जो मास्टर्स का रिजल्ट है, एमए का रिजल्ट, इसकी परसेंटेज देखी जाती है, इसकी परसेंटेज देखी जाएगी, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उनको प्रेफरेंस मिलेगी। और प्लस जिनकी, जैसे जेआरएफ वाले हैं तो इनका परसेंटाइल भी देखा जाएगा, परसेंटाइल एमए की परसेंटेज और ग्रेजुएशन की परसेंटेज भी देखते हैं। तो इन्हीं के बेस पर फिर आपका क्या है, यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है उसकी तरफ आपको ले जाते हैं, एमए के रिजल्ट की परसेंटेज, ग्रेजुएशन की परसेंटेज, नेट जेआरएफ की परसेंटाइल, ये सब देखेंगे। ठीक है, ये सब किसके लिए, एग्जाम्ड कैटेगरी के लिए है। तो ये सब देखने के बाद फिर आपकी क्या है, यहाँ पर लिस्ट लग जाएगी, ये एग्जाम्ड कैटेगरी वालों के लिए है, और जो एंट्रेंस एग्जाम है उनका रिजल्ट देखा जाएगा, जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको लिया जाएगा। फिर इनके, इसके बाद इनकी भी काउंसलिंग होगी, इनकी भी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने के बाद फिर इनकी भी क्या है, लिस्ट लगेगी, यहाँ पर लिस्ट लगेगी, दोनों स्टूडेंट्स की लिस्ट एक साथ लगाई जाएगी, एंट्रेंस एग्जाम वालों की भी और जो ये एग्जाम्ड कैटेगरी के थे इनकी भी लिस्ट एक साथ लगाई जाएगी। तो यहाँ पर फिर 20 स्टूडेंट्स को चुन लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। फिर एक बार बता देते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, उनमें से वैलिड फॉर्म देखे जाएंगे। वैलिड फॉर्म देखने के बाद दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे कि एग्जाम्ड कैटेगरी के कौन स्टूडेंट्स हैं और एंट्रेंस देने वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो एग्जाम्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ टीचर्स या अदर फेलोशिप वाले स्टूडेंट्स रहेंगे। अदर फेलोशिप में एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफओबीसी, एनएफ माइनॉरिटी वाली, ये सब इस लिस्ट में आ जाएंगे। जो अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप है जेआरएफ के, वो सब एक तरफ लिस्ट बनेगी। एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम की डेट देंगे। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद फिर यहाँ पर रिजल्ट लगाया जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाए हैं। इसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में देखा जाएगा कि यहाँ पर जिनका रिजल्ट अच्छा है वो टॉप लिस्ट वाले स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, और जो एग्जाम्ड के थे उनके एमए के रिजल्ट की परसेंटेज, ग्रेजुएशन की परसेंटेज, जेआरएफ की परसेंटाइल, इसके बेस पर यहाँ पर फिर आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ लगेगी। आपके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे कि डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एक कमेटी बैठी रहती है, वो आपके सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अगर फ्रॉड पाए गए तो फिर यहाँ पर कमेटी द्वारा एक्शन लिया जाएगा और आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा, आगे के लिए भी क्या है, डिबार्ड कर दिया जाएगा। इसलिए सब चीज़ तैयार रखें, अच्छे से रखें, और कमेटी का सामना भी फिर अच्छे से करना। तो इस यहाँ पर हमने क्या है बताया है कि फॉर्म कब आ सकते हैं। देखिए, ये तो एडमिशन प्रोसेस था, अब फॉर्म को लेकर अटकलें चल रही हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको गलत तो कुछ बताएंगे नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं कि कल फॉर्म आ जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। जो हमने ये ऊपर वाला नोटिस दिखाया आरडीसी का, जो प्रीवियस बैच है, पिछला बैच है 2021-22 वाला, अभी उसकी आरडीसी चल रही है। जैसे ही उसकी आरडीसी खत्म होगी तब आपका एडमिशन फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, पीएचडी रिलेटेड क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब बताया है। जैसे ही कोई नोटिस आएगा तो हम आपको यहाँ पर बताते चलेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए कि चैनल पर क्या चल रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखें, और बाकी अदर किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आते हैं तो वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।